देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का। मॉर्निंग न्यूज में आज हम आपको पूरे दिन के घटनाक्रमों से रूबरू करवाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पहली बार भारत में होगा। बता दें कि यह कन्वेंशन आज यानी 21 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम विरासत का सम्मान करके विकास करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर जिले के लुधावई गांव का दौरा करेंगे। बता दें कि आज यानी कि 21 जुलाई को मुख्यमंत्री सुबह तकरीबन 8:30 बजे से तकरीबन 9:30 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सहरसा में आज यानी 21 जुलाई को प्रखंड अध्यक्षों, प्रखंड प्रभारियों, वरीय कांग्रेस जनों और संभावित उम्मीदवारों को जवाबदेही तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तारानंद सादात सहित अन्य नेता भाग लेंगे। सीमावर्ती रामधाम भदवासी में गुरु पूर्णिमा मेला महोत्सव कार्यक्रम आज यानी 21 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि करुणा मूर्ति धाम भदवासी के त्यागी संत हेतराम महाराज ने बताया कि सुबह 7 बजे समाधि स्थल पर पूजा अर्चना करके 8 बजे से गुरुवाणी का पाठ शुरू हो जाएगा। उज्जैन के अशोक बुद्ध विहार में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि वर्षावास यानी आज 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 माह अषाढ़ पूर्णिमा तक चलेगा। विद्युत उपमंडल ददाहू के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। बता दें कि विद्युत सब स्टेशन दहादू और सब स्टेशन संघाड और इससे निकलने वाले सभी फीडर में मरम्मत और रखरखाव से संबंधित आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। भागलपुर में महर्षि आश्रम कोप्पा घाट में गुरु पूर्णिमा के दिन यानी आज 21 जुलाई को ध्यान और सत्संग का आयोजन किया गया है। बता दें कि पूर्णिमा के एक दिन पूर्व से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अधिकांश लोग नेपाल, कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, हरिद्वार, रांची से यहां पहुंचे। राजगढ़ जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मनासिया भैरव धाम राजगढ़ पर आज यानी 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि महोत्सव को लेकर धाम के उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में भैरव भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि काला अम्ब विद्युत उपमंडल के अंतर्गत आज यानी 21 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बता दें कि सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 132/33/11 केवी सब स्टेशनों पर जोहरों और 33/11 केवी सब स्टेशन काला अम्ब में आवश्यक मरम्मत का कार्य किया जाना है। राजस्थान में आज से भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी राजस्थान में आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बता दें कि खासकर कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन खबरों के अलावा हम आपको आज बताएंगे कि आज का दिन क्यों है खास, इसीलिए नजर डालिए आज के इतिहास पर। 1930 में भारतीय कवि और फिल्मी गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ। 1957 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का जन्म हुआ। 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंड्रिंग चंद्रमा पर उतरे। 1908 में नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामवरण यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया। भारत के प्रसिद्ध और वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने एक लालजी टंडन का निधन हुआ। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।